गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड, पेज नंबर 133 और पेज एक्सरसाइज नंबर 3 का 5 और 6 वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व करेंगे। मैंने इसका पीडीएफ भेज दिया था, इसको ध्यान से देखो। एक बकेट है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 8 लीटर 400 मिलीलीटर। जो अनदर बकेट है उसकी कैपेसिटी है 5 लीटर 600 मिलीलीटर। तो बताओ कि जो बिग बकेट है उसकी कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे ड्रिंक ऑफ, सॉरी इसमें लिखी कैपेसिटी यहाँ पे एक बकेट की कैपेसिटी कितनी है, 8 लीटर 400 मिलीलीटर। और जो कैपेसिटी आप अनादर बकेट की कितनी है, तो 5 लीटर 650 मिलीलीटर। अब हम माइनस करेंगे, हम तो 0 0 माइनस किया 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होते तो बोरो लेंगे, तो 4 से 1 लिया बोरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, और वहाँ पर क्या हो जाएगा 3, 4 की जगह क्या हो जाएगा 3, 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 3 में से 6 माइनस नहीं होते हैं बोरो लेंगे। अब बोरो हम कहाँ से लेंगे, लीटर से लेंगे, 8 से 1 ले लिया तो यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे 13, और वहाँ क्या हो जाएंगे 8 की जगह 7, तो 13 में से 6 माइनस किया तो क्या आ जाएगा 7, और 7 में से 5 माइनस किया तो 2। इससे 5 वाला क्वेश्चन आपका हो गया। अब 6 वाला क्वेश्चन देखो, वॉशिज वाटर बॉटल कंटेन 2 लीटर ऑफ वाटर। उसने ब्रेकफास्ट में क्या किया है, 250 मिलीलीटर पी लिया है, और लंच के टाइम में उसने 180 मिलीलीटर पी लिया है, और डिनर में उसने रिटर्न में बाद में बच और कितना बचा के लेके गया है, 190 मिलीलीटर वाइल रिटर्निंग होम, घर के लिए लेके गया है ना, घर में इतना और पानी बचा हुआ है इसके पास। तो टोटल उसकी वाटर की कैपेसिटी कितनी, 2 लीटर थी। अब हम क्या करेंगे, हम जबकि यूज कितना कर लिया हमने पानी, देखो वाटर बॉटल कंटेन ऑफ वाटर कितना वाटर था, 2 लीटर। पहले तो वो हो जाएगा ड्रिंक ऑफ वाटर बिफोर द लंच ब्रेक, लंच में इसने कितना कर लिया है, 250 मिलीलीटर, और ड्यूरिंग द लंच ड्रिंक ऑफ वाटर बिफोर द लंच, लंच से पहले उन्होंने पानी कितना पिया है, 250 मिलीलीटर, और लंच के दौरान 180 मिलीलीटर, और रिटर्न में कितना लेके गए घर बचा के, तो कितना लेके गए 190। तो उसको प्लस करेंगे तो 0 0 प्लस किया तो 0 5 8 13 और 9 13 9 22 22 का 2 2 kV, तो 2 और 1 3 1 4 और 2 6, तो 620 मिलीलीटर जो है बॉटल में अभी और मतलब बचा हुआ है पानी, है ना। लेफ्ट वाटर कितना आ जाएगा, बॉटल के अंदर लेफ्ट वाटर इन बॉटल इन द बॉटल, तो कितना आ जाएगा 620 मिलीलीटर। ठीक है, अब आगे देखो 6, ये 5 वाला और 6 वाला दोनों हो गए आपके क्वेश्चन। और इसमें आपको हमको क्या हो गया, अब आगे क्या दे रखा है इन्होंने, जबकि वाटर की कैपेसिटी कितनी है, वाटर बॉटल के अंदर कंटेंट कितना पानी आता है, तो 2 लीटर आता है, जबकि अपन ने कितना ये इतना पानी हमने लंच के पहले, ये लंच के बाद, और बचा हुआ पानी इतना है, तो 620 लीटर मतलब हम अभी इतना पानी मतलब है, जबकि मतलब बचा के लेके गया है वाइल्ड रेटिंग होम, ठीक है ना। और जबकि उसकी बॉटल के अंदर पानी कितना था, 2 लीटर है। अब उसके पास कितना पानी और बचा है, तो 2 लीटर, और मिलीलीटर में हमको कोई डिजिट नहीं दे रखी, तो हम 3 0 लगा देंगे। अब ये अपने पास क्या है, मिलीलीटर की डिजिट आई है, ठीक है ना, लीटर की डिजिट नहीं दे रखी, तो हमने 0 लगा दिया, और मिलीलीटर की डिजिट क्या हो जाएगी, 620। अब माइनस करेंगे, 0 में 0 माइनस किया तो 0, 0 में से 2 माइनस नहीं होता है, पास वाले से बोर लेंगे यहाँ नहीं है तो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10 में से 1 इसको देंगे तो यहाँ 9, और यहाँ पर 10, इस तरह से 10 में से 2 माइनस किया तो 8, और 9 में 6 माइनस किया तो 3, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है, 1 लीटर 380 मिलीलीटर पानी और मतलब बॉटल के अंदर पड़ा है। ठीक है, आज के लिए इतने, थैंक यू। मैंने आपको नोटबुक के अंदर नोट करना है, नीट और क्लीन हैंड राइटिंग में आज।